नमस्कार दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आजकल हम लोग पीईटी के एक विशेष कक्षा कार्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसी क्रम में आज के इस लेक्चर में हम लोग हिंदी में एक टॉपिक आप लोगों के लिए निर्धारित किया गया है लिंग, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि इसका क्या तात्पर्य है, कितने प्रकार होते हैं और इसकी पहचान कैसे सुनिश्चित की जाती है और कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, तो इसको हम लोग आइए देखने का प्रयास करते हैं। तो लिंग जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको इंग्लिश में अगर देखेंगे तो दो तरीके से शब्द इसमें प्रयोग में लाया जाता है। एक जो है इसके लिए अंग्रेजी में ये है और जेंडर। अब यहाँ पर ये देखना आवश्यक है इन दोनों शब्दों के बीच में क्या अंतर है। बेसिकली जब जेंडर की बात की जाती है तो यह एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो है किस तरीके के डिफरेंसेस हैं, वो एक वैचारिक स्तर की बात करता है। और जब हम लिंग के इस शब्द के बारे में देखते हैं कि इसको अंग्रेजी में जो है सेक्स कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका तात्पर्य जो है वो जैविकीय अवधारणा से होता है। जैविकीय का तात्पर्य होता है कि शारीरिक संरचना के आधार पर पुरुष और स्त्री के बीच में पहचान को जो सुनिश्चित करने की बात कही जाती है वो जो है ये शब्द होता है, और यहाँ पर ये जो है समाज शास्त्रीय अवधारणा होती है। तो हम यहाँ पे बेसिकली हिंदी में जो है लिंग की अवधारणा को जो है समझने का जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों ही शब्द प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए दोनों के यहाँ पे अंतर को हमने बताने का जो प्रयास किया। तो लिंग का जो है तात्पर्य अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो चिन्ह होता है या जो है पहचान के साधन, या जो है पहचान के साधन, चिन्ह होता है या पहचान के साधन होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वाक्य में जो है शब्द का जो है वह रूप जिसके कारण से हम जो है किसी व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होने के रूप में जो है पहचान को सुनिश्चित करते हैं वही क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। यानी कि जो है शब्द का वह रूप जिसके कारण से हम किसी व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होने के बारे में जो है पहचान को सुनिश्चित करते हैं उसे ही लिंग कहा जाता है। व्यक्ति का तात्पर्य यहाँ इंडिविजुअल से है, वो स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, तो इसीलिए जो है कहा गया है कि उसे जो है स्त्री या पुरुष के रूप में पहचानने के लिए जो है शब्द रूप के द्वारा जो है किया जाता है, और शब्द रूप वह शब्द रूप जिसके माध्यम से जो है इसको पहचान सुनिश्चित किया जाता है वो लिंग होता है। यहाँ पर हम बार बार जो है शब्द रूप की चर्चा कर रहे हैं, तो ये चीज ध्यान में रखना होगा कि शब्द और शब्द रूप अलग होते हैं, शब्द की सत्ता एकदम पृथक होती है, लेकिन जब वह वाक्य में जो है लिंग वचन कारक के अनुसार प्रयोग में लाया जाता है तो वह शब्द रूप हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई शब्द हो और हमेशा वो वाक्य में एक ही तरीके से प्रयोग में आए। जैसे एक शब्द है लड़का, अब ये लड़का जो है ये शब्द अगर स्वतंत्र रूप से कहीं शब्द के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा तो हमेशा लड़का होगा, लेकिन वाक्य में जब हम प्रयोग करेंगे तो वहां पर वो लड़के भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे कि कई लड़के के लिए कि वहां जा रहे हैं, कई लड़कों के लिए हम प्रयोग करते हैं कि जा रहे हैं, तो वहां पर क्या कहेंगे, लड़का जा रहा है या नहीं कहेंगे, लड़के जा रहे हैं, तो यहां पर वो शब्द बदल जाता है। तो यानी कि वाक्य में लिंग वचन कारक के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है तो वो शब्द रूप या पद कहलाता है। तो यहां पर जो है उसी शब्द की जो बात कही जा रही है कि शब्द रूप, वह शब्द रूप जिसके माध्यम से जो है, या वह साधन जिसके माध्यम से किसी वाक्य में जो है स्त्री या पुरुष के जो है रूप में पहचान को सुनिश्चित किया जाता है वही जो है लिंग कहलाता है। तो यहां पर जो है ये देखेंगे कि लिंग जो है तीन प्रकार से है, पुरुष, स्त्री, उभय। तो इसमें लिंग जो है तीन प्रकार से जो है बताया गया है, जो है पुरुष के रूप में है, स्त्री लिंग के रूप में और उभय लिंग के रूप में है। जब जो है कोई भी वाक्य है वहां पे संज्ञा जो है हमेशा उस लिंग के रूप में ही जो है प्रयोग में लाई जाती है, और वैसा अगर प्रयोग में नहीं लाया जाएगा तो हम क्रिया या जो है कई बार जो विशेषण को जो है स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाएंगे। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि लिंग के अनुसार ही जो है क्रिया का जो है प्रयोग किया जाता है, इसलिए वाक्य में जो संज्ञा प्रयोग में लाई जाती है वो लिंग के अनुसार ही लाई जाती है। इसलिए लिंग की जो है बारे में जानकारी और लिंग का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हिंदी वाक्य विन्यास या वाक्य संरचना में होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लिंग का जो है शाब्दिक अर्थ जो है क्या है, लिंग की जो है हमने परिभाषा को देखने का प्रयास किया कि शब्द रूप की वह स्थिति जिसके माध्यम से किसी वाक्य में या किसी व्यक्ति के जो है स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं, और लिंग इन तीनों रूपों में जो है प्रयोग में लाया जाता है। जैसे हमने कहा कि संज्ञा जो होती है वो लिंग के अनुसार प्रयोग में लाई जाती है, और अगर ऐसा ना किया जाए तो हम क्रिया का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। जैसे लड़का जा रहा है, अब यहां पर जो है हम इसको लिख देते हैं लड़का जा रहा है। अब यहां लड़का जो है वो पुरुष है, तो इसके अनुसार यहां पे जो है क्रिया आ गई। अगर यहां पे ये लड़की होती तो हम यहां पे क्रिया का प्रयोग क्या करते, रही है। तो कहने का मतलब यहां पे क्या हुआ, ये जो क्रिया है वो इसके अनुसार प्रयोग में आ रहा है, और ये क्या है लिंग, इसी चीज को हम जो है यहां पे लिंग के माध्यम से प्रयोग करते हैं। तो ये बातें हैं महत्वपूर्ण, और इन्हीं के माध्यम से क्रिया के जो है प्रयोग और क्रिया में जो है अंतर सुनिश्चित हो पाता है। कई बार यहां पे इसके कारण से जो है जो विशेषण होता है वो भी बदल जाता है। जैसे मान के चलिए कि घोड़ा काला है, अब अगर घोड़ी होगी तो घोड़ी काला है नहीं कहा जाएगा, घोड़ी जो क्या है काली है कहा जाएगा, और काली क्या है विशेषण है। तो यहां पर लिंग के अनुसार विशेषण भी जो है चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी वाक्य में अगर देखा जाए तो लिंग की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और प्रत्येक व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी होना भी चाहिए, तभी वो वाक्य विन्यास की जो स्थिति है उससे परिचित हो पाएगा और सही तरीके से वाक्य का हिंदी में प्रयोग कर पाएगा, हिंदी में जो है वो लिख पाएगा। तो ये चीजें आपको जो है यहाँ पे समझ में आई होंगी। अब कई ऐसे लिंग हैं जिनका की जो है प्रत्यय का प्रयोग करके जो है बदलाव किया जाता है, यानी कि पुरुष लिंग से उन्हें स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग से उन्हें पुरुष लिंग में बदला जाता है। अब देखेंगे हम लोग जो है यहाँ पे कई प्रकार की स्थिति है जिसके द्वारा जो है बनाया जाता है। आपके परीक्षा में भी ये चीज पूछा जाएगा, इस शब्द का क्या जो है पुलिंग होगा या इस शब्द का क्या जो है स्त्रीलिंग होगा, परीक्षा में ये चीज पूछा आ जाएगा। कई बार पहचानने के लिए भी आएगा कि इनमें से कौन सा पुलिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है, इस तरीके की परीक्षा में सवाल पूछे जा चुके हैं। तो अब यहां पे कई प्रत्यय हो सकते हैं जिनका प्रयोग करके किया जाता है, जैसे या एक जो है प्रत्यय है। अब जैसे मान के चलिए बूढ़ा है, अब ये शब्द है, अब इसको अगर हम ये जो है पुरुष में है, अब इसको अगर हम स्त्रीलिंग में बनाते हैं तो क्या होगा, बुढ़िया। तब यहां पे क्या हो गया, यहां पे या प्रत्यय लगा करके इसको बना दिया गया है। इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हो जाएंगे तो उनके माध्यम से इसका प्रयोग जो है बेटा है तो बिटिया हो जाएगा, तो उसमें भी या प्रत्यय जुड़ जाता है। अब जैसे आइन, आइन प्रत्यय से जो जैसे पंडित हो गया, अब यहां पे जो इसका स्त्रीलिंग जो है आइन शब्द हो गया, अब इसको अगर हम अलग करके देखेंगे तो यहां आइन प्रत्यय जो है जुड़ रहा है। तो इस तरीके से आपको प्रयोग को भी देखना होगा, और हम उन सभी प्रत्ययों का यहां पे चर्चा करेंगे जिनके द्वारा जो है अलग अलग प्रकार के जो है शब्दों का जो है स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्रीलिंग में प्रयोग में लाया जाता है। अब इसी के साथ साथ जो है ये है ई प्रत्यय, अब जैसे लड़का है
अब यहां इसका क्या हो जाएगा, लड़की, क्या हो गया, लड़की हो गया। तो यहां पे जो है आपने ई प्रत्यय का जो प्रयोग किया और जो है पुरुष से स्त्रीलिंग बना दिया, और इसी तरीके से अगर ये शब्द होगा तो यहां ई प्रत्यय को हटा दिया जाएगा और क्या बन जाएगा, लड़का। तो इसी तरीके से जो है यहां पे ई प्रत्यय के द्वारा इसका जो प्रयोग किया गया है। अब यहां पे एक और हम देखेंगे, इम प्रत्यय, जैसे लोहार, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लोहारिन। अब यहां केवल न प्रत्यय नहीं है, क्योंकि यहां रा के पूर्व में जो है मात्रा भी लग गया है, और अगर हम इस शब्द से इसको निकाल देंगे तो ये बचेगा, तो यहां पे ये शब्द जो है हो जाएगा। तो ये जो है आप जो है यहां पे इन प्रत्यय के प्रयोग से इस तरीके के शब्दों को जो है आप देख पाएंगे, और यहां पे भी कई शब्द हैं जिसको हम यहां देखने का प्रयास करते हैं। जैसे आप्रत्यय, आप्रत्यय भी लगेगा, जैसे छात्र है, अब यहां इसका जो है स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, छात्रा। अब यहां आप्रत्यय लगा हुआ है, आप्रत्यय लगा हुआ है। इसी तरीके से जैसे प्रिय है, अब इसका क्या हो जाएगा, प्रिया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये प्रिया हो जाएगा। इसी तरीके से जो है नी प्रत्यय, नी प्रत्यय देखते हैं। अब नी प्रत्यय जो है शेर, अब ये क्या हो जाएगा, शेरनी, क्योंकि यहां केवल इतना ही जुड़ा रहा है इस शब्द में। अगर देखा जाए इस शब्द में, तो इस शब्द से जो है इसे निकालने पर केवल जो है यही बचेगा, इसलिए नी प्रत्यय का प्रयोग करके यहां पे क्या कर दिया गया है, शेरनी जो है कर दिया गया है। और इसी तरीके से जो है इनी प्रत्यय भी प्रयोग में लाया जाए। अब इसी से देखेंगे जो है हम लोग, जैसे यहां पे हंस है, अब ये हंसिनी हो जाता है, यहां एक चीज अंतर करना होगा नी प्रत्यय और इनी प्रत्यय के बीच में, तो ये शेर से शेरनी हो जाता, ना कि शेरिनी हो जाता, री नहीं होगा, रा होगा। इसी तरीके से हंस में लेकिन देखा जाएगा तो हंसनी नहीं होगा बल्कि हंसिनी होगा। तो यहां पे इनी प्रत्यय लगा हुआ है और यहां पे नी प्रत्यय, तो दोनों के बीच में जो अंतर करना भी जरूरी है और दोनों ही आसपास जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इन दोनों के बीच में अंतर को समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे वान है, मान है, इसमें जो है स्त्रीलिंग बनाने के लिए वान में वती और मान में मति शब्द जो है कर दिया जाता है। अभी देखिए जैसे भाग्यवान है, भाग्यवान है और श्रीमान है, अब यहां पे भाग्यवती हो जाता है इसका, भाग्यवती हो जाता है और श्रीमान का जो है श्रीमती हो जाता है। अब यहां क्या परिवर्तित हुआ, वान का जो है वती हो गया और मान का जो है वो मती हो गया। अब इस माध्यम से जो है ये पुरुष से जो है स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। यहां पे कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें त्रि शब्द जोड़ दिया, जैसे ति है जो है तो त्रि में जो है बदल जाता है, जैसे अभिनेता और नेता, अब यहां ता शब्द जो है त्रि में चेंज हो जाएगा, जैसे अभिनेत्री। और इसी तरीके से नेता शब्द किस में जुड़ जाएगा, नेत्री।
इसमें इन शब्द, ये शब्द और ये शब्द का तो बार बार प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन ये शब्द बार बार प्रयोग में नहीं लाया जाता है, जबकि व्यवहार में इसका भी प्रयोग होना चाहिए। राजनीति में जो है, जो महिलाएं शामिल हैं और जनता के हित के लिए चुनाव के माध्यम से सत्ता में पहुंचने का काम कर रही हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नेत्री। जैसे देश में कई अभिनेत्रियां थी जो बाद में नेत्री के रूप में काम करने लगी, वो फिल्म की दुनिया से आकर के जो है राजनीति की दुनिया में भी जो है उन्होंने कदम रख लिया। किसी का नाम जैसे हेमा मालिनी, वो अभिनेत्री थी और बाद में उन्होंने नेत्री का भी जो है काम किया। इसी तरीके से बहुत से लोग रहे हैं, अभिनेता भी रहे हैं जो है अभिनेता रहे हैं और बाद में जो है नेता के रूप में काम करने लगे। उसी तरीके से अभिनेत्री रही तो नेत्री के रूप में काम करना शुरू कर दी। तो नेता का जो है वो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नेत्री। और अभिनेता का क्या हो जाता है? अभिनेत्री हो जाता है। ये एक और कॉन्सेप्ट यहां पर आपको मिलेगा, नित्य, नित्य पुलिंग, नित्य पुलिंग या जो है नित्य स्त्रीलिंग, नित्य पुलिंग या नित्य स्त्रीलिंग की अवधारणा। इसका तात्पर्य क्या होता है? नित्य पुलिंग या नित्य स्त्रीलिंग का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा से ही वो इन्हीं रूपों में आते हैं कि या तो वो जो है स्त्रीलिंग ही होते हैं और या जो है वो पुलिंग ही होते हैं। अब यहाँ पे जो सवाल होता है कि अगर वो नित्य स्त्रीलिंग है तो पुलिंग कैसे बनेगा, या नित्य पुलिंग है तो वो स्त्रीलिंग कैसे बनेगा? तो यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि अगर वो नित्य स्त्रीलिंग है तो उसमें जो है पुलिंग बनाने के लिए नर शब्द जोड़ दिया जाएगा, और इसी तरीके से अगर जो है नित्य पुलिंग है तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें मादा शब्द जोड़ दिया जाएगा। जैसे मक्खी, ये शब्द जो है नित्य स्त्रीलिंग है। इसी तरीके से गैंडा, ये नित्य जो है पुलिंग है। अब ये जो है पुलिंग शब्द है, इसे जो है स्त्रीलिंग में बदलने के लिए यहां पे जो है मादा गैंडा, मादा गैंडा लिख दिया जाएगा। ठीक, अब ये जो है हो गया स्त्रीलिंग। इसी तरीके से मक्खी है, इसे जो है जब हम ये स्त्रीलिंग है, नित्य स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, और इसे जब हम पुलिंग में बदलेंगे तो ये नर जो है मक्खी, नर मक्खी लिख देंगे। अब यहां पे क्या हो गया, ये अब ये जो है नित्य पुलिंग और नित्य स्त्रीलिंग से जो है हम एक दूसरे में पुलिंग और स्त्रीलिंग में चेंज कर देते हैं, वहां पे नर और मादा शब्द का जो प्रयोग किया जाता है। तो इससे स्पष्ट आप लोगों को हो रहा है कि इतने प्रकार के नियम हो सकते हैं जिनके माध्यम से स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री में चेंज किया जा सकता है। एक और भी जो है प्रत्यय, इका प्रत्यय, इका प्रत्यय, जैसे लेखक है तो इसको क्या हो जाएगा? लेखिका। और इसी में जो त्री शब्द आता था उसी में रचयिता से रचयित्री हो जाता था, ता का जो है त्री हो जाता था। यहाँ पर रूल अभी बताया गया था कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां ता को त्री कर दिया जाता है, तो जैसे रचयिता होता है तो रचयित्री हो जाता है, उसी तरह लेखक से लेखिका, यानी कि ई का प्रत्यय जो है लगता है। तो ये कुछ नियम है जिनके आधार पर आप जो है स्त्रीलिंग को पुलिंग और पुलिंग को स्त्रीलिंग में बनाएंगे। तो बेसिकली कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको आपको याद करने की जरूरत होती है। हिंदी में कुछ टॉपिक को तैयार करने के लिए यह जरूरी होता है कि आप जो है उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, और हर व्यक्ति के अपने पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक मैं कहानी बताऊं आपको, इलाहाबाद में एक थे जो है सीनियर व्यक्ति, वो वहां पर लाइट बड़ा कटता है। वहां लाइट जो है बीच में दो है 10 से 3 बजे तक, जो पहले, अभी तो इस समय की मैं बात नहीं बता सकता, पहले वहां लाइट जो इस तरीके से कटती थी। वो उस दौरान जो है गली में खड़े हो करके जो है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द रख डाले थे। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी टेक्निक होती है। आज वो भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो है, तो सफल हैं।
हर व्यक्ति की पढ़ने के तरीके होते हैं। कुछ लोग ये कहते थे कि इनको जो है टेबल चेयर पे पढ़ने में नहीं मजा आता है, इनको जो है गली में घूम घूम कर पढ़ने में मजा आता है, लेकिन उनकी भी अपनी टेक्निक होती थी। तो यहाँ हर व्यक्ति की अपनी यूनिकनेस होता है, अपनी अद्वितीयता होती है, और उस अद्वितीयता का जो प्रयोग करके अपनी तैयारी को बढ़ाने की जरूरत है, और आप ऐसा करके जो है अपनी तैयारी को जो है विशिष्ट स्तर पर ले जा सकते हैं। यह मैटर इसका नहीं है कि आपके पढ़ने के तरीके क्या हैं, मैटर यह है और महत्वपूर्ण यह है कि आपकी समझ का स्तर बढ़ना चाहिए, आपके अधिगम का स्तर बढ़ना चाहिए जो है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और आप लोग भी अपने तरीके से जो है एक नई नई प्रणाली और नई नई तकनीक को जो है खोजने का भी प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं, लिंग के बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, लिंग के जो है अर्थ को देखा, परिभाषा को देखा, और प्रत्यय के द्वारा प्रयोग को जो है देखा। प्रकार में जो है हम लोग ये देखते हैं, प्रकार में हम लोगों ने देखा कि पुरुष, स्त्री और इसी तरीके से उभयलिंग। उभयलिंग का क्या मतलब होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आप में जो है यहाँ पे डॉक्टर शब्द है, डॉक्टर शब्द है, इंजीनियर शब्द है, डॉक्टर शब्द है, इंजीनियर शब्द है, और इसी तरीके से जो है मंत्री शब्द है, मैनेजर शब्द है, मैनेजर शब्द, ये शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम पुरुष और स्त्री दोनों के रूप में कर सकते हैं। डॉक्टर जा रहा है या डॉक्टर जा रही है, दोनों लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये कामा शब्द है। हम इस वाक्य में कैसे पहचान करेंगे, हम यहां पर उसकी क्रिया को देख करके जो है पहचान करेंगे कि इनमें जो है पुरुष जा रहा है या स्त्री जा रही है। तो भाई डॉक्टर अगर स्त्री है तो वहां पे ये नहीं कहा जाएगा जा रहा है, तो वहां क्रिया तो जा रही ही होगी, बशर्ते उसका जो शब्द है, जो यहाँ पर मूल शब्द डॉक्टर है, जो उसका प्रोफेशन, वो हमेशा वही रहेगा। उसमें हम उसको परिवर्तन स्त्री या पुरुष के जो है अनुसार नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों रूपों में सेम ही होता है। यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे पुरुष की बात, वह संज्ञा का जो है रूप जिसके माध्यम से जो है किसी वाक्य में पुरुष का बोध होता है, तो वो क्या कहलाता है, पुरुष लिंग कहलाता है। और इसी तरीके से जो है स्त्री में है, जब संज्ञा के जो है माध्यम से हम वाक्य में जो है किसी व्यक्ति की स्त्री के रूप में, किसी व्यक्ति का स्त्री के रूप में जो है पहचान को सुनिश्चित करते हैं, तो वह स्त्री लिंग होता है। अब यहाँ पे कुछ और भी नियम हैं, कुछ और भी टेक्निक्स हैं जिनका की जो सामान्य रूप से प्रयोग होता है, और बार बार अगर आप लोग उसको देखने का प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट होंगी, और कि हम लिंग के जो है अंतर्गत जो भी सवाल बनते हैं उसको किस तरीके से पहचान सुनिश्चित करें, और क्या क्या जो है उसमें पहचान के मानक और कारक होते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा सूचियों के माध्यम से देखने का जो है प्रयास करेंगे। जैसे हम लोग जो है पुलिंग के अंतर्गत अगर पहचान करना चाहें तो आप देखेंगे जो है कि अब आप जैसे इसमें देख रहे हैं कि पुलिंग की पहचान आ, आओ, पा, पन और ना, ये प्रत्येक जिन शब्दों के अंत में हो वह प्रायः पुलिंग होते हैं। जैसे आ में है मोटा में आ है, आओ चढ़ाव में आओ है, बुढ़ापा में पा है, लड़कपन में पन है, और लेन देन, तो यहाँ भी ये शब्द जो है किसमें आ गए, पुलिंग में। हमें इन्हीं जो है नियमों के अंतर्गत जो भी शब्द आ रहे हैं उन शब्दों को 2 से 3 बार पढ़ना है, ताकि बार बार पढ़ने से उसका अभ्यास होता है, और अभ्यास से व्यक्ति जो पूर्णता की तरफ बढ़ता है। दूसरा है पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम पुलिंग होते हैं। जैसे पर्वत में हिमालय पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, और माह के अंतर्गत बैसाख है, और इसी तरीके से ग्रहों में सूर्य है,
सूर्य तो तारा के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पे कुल मिलाकर के हिंदी में अगर हम बात कर रहे हैं तो पिंडों से अगर कह सकते हैं इसको, ग्रह के स्थान पे पिंड कह सकते हैं। और चंद्रमा चंद्र है, चंद्रमा नहीं चंद्र है, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है। लेकिन यहाँ पर अगर पृथ्वी का प्रयोग होगा तो वो जाहिर सी बात है स्त्रीलिंग में आएगा, जब हम स्त्रीलिंग की पहचान में उसको देखेंगे। अगला जो है यहाँ पे दिया हुआ है, पेड़ों के नाम पुलिंग होते हैं, जो पेड़ हैं उनके नाम जो है पुलिंग में आते हैं। अब इसको हम देखेंगे जो है, जैसे पीपल, नीम, आम, शीशम, सागौन, जामुन आदि, ये सब किसमें आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं जो है पुलिंग के अंदर। अनाजों के नाम जैसे पेड़ के नाम थे, उसी तरीके से अनाजों के नाम पुलिंग होते हैं, जैसे बाजरा, गेहूं, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द आदि, ये सब किसमें आ रहे हैं, ये सब आपके पुलिंग में आ रहे हैं। द्रव पदार्थ है, जैसे अभी इसके पहले हमने अनाज देखा, उसके पहले पेड़ देखा, अभी द्रव देख रहे हैं, पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल। पानी जो है वो है, और घी, जैसे घी सामान्यतः क्या कहते हैं, घी अच्छी है, नहीं घी अच्छा है, मतलब ये पुलिंग के अंतर्गत जो है आता है, इसलिए हमें ये चीज को ध्यान में रखना होगा। रत्नों के नाम जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, माणिक जो है ये भी आते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजों को आप याद कर लेंगे, जैसे पेड़ है, अनाज है, इसी तरीके से द्रव है, रत्न है। अब रत्न जो होगा वो तौलने वाला होगा, द्रव जो है वो मापने वाला होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान में रख लेंगे कि नापने और तौलने वाले पदार्थ, तो ये एक में आ जाएगा और ये आपको याद करने के लिए आसानी हो जाएगा। देह के अवयवों का नाम पुलिंग होता है, जैसे मस्तक है, दांत है, हाथ है, कान है, तालू है, रोम। देह के अवयवों का मतलब जो है शरीर के भाग या अंग की बात की जा रही है। स्थल, अभी आठवें नंबर पे जल है, स्थल है, भूमंडल के भागों के नाम पुलिंग होते हैं, यहाँ पे इसके नाम जो पुलिंग होते हैं, जैसे समुद्र, भारत, देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर आदि, ये सब किसमें आ रहे हैं, ये पुलिंग में आ रहे हैं। अगला है वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम पुलिंग होते हैं, जैसे अ, उ, ए, ओ, का, ख, ग, ध, च, छ, यारा, लावा, ये भी आप जो हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो एक साथ प्रयोग में आता है, श आदि। तो ये जो है पुलिंग के अंतर्गत आते हैं। नित्य पुलिंग के कुछ शब्द हैं, नित्य पुलिंग, जैसे हमने एक अभी उदाहरण देखा था गैंडा, उसी तरीके से यहाँ पे क्या आ रहा है, तोता है, मच्छर है, कौवा है, बिच्छू, ये शब्द नित्य पुलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब हम स्त्रीलिंग के रूप में पहचान देखते हैं, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख होता है तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे ईंख, भूख, चोख, राख आदि, इन ये शब्द आएंगे तो ये हमेशा जो है पुलिंग में ही होंगे, जैसे राख उड़ रहा है, नहीं राख उड़ रही है, हमेशा ये ध्यान में रखना है। अगला है दो नंबर पे, जिन भावना भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट होता है वही स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट, ये क्या होंगे, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला है अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाती हैं, जैसे रोटी। अब रोटी तो इसमें जो है इकारांत आ रहा है, टोपी है, नदी है, चिट्ठी है, उदासी है, इसमें आ रहा है। तकारांत में ता रात हो गया, बात है, छत है, भीत है। लू में जो है उकारांत हो गया और सांस, ये शब्द जो है आ गया, तो ये शब्द जो है स्त्रीलिंग जो है कहलाते हैं। अगला है भाषा, बोली और लिपियां के नाम जो है, लिपियों के नाम जो है स्त्रीलिंग होते हैं, भाषा, लिपि और बोली, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जिन शब्दों के अंत में ईया आता है वह स्त्रीलिंग होती है, जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया, ये जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला है नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे यमुना, गंगा, गोदावरी, ताप्ती। तिथियों के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, अगला साथ में है तिथियों के नाम स्त्रीलिंग, पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा आदि। आठवें नंबर पे है पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है, हमने पूर्व में ही जो विभिन्न प्रकार के पिंडों को देखा कि सूर्य है, चंद्र है, तो ये सब जो है बुध है, ये क्या है, पुरुलिंग में है,
लेकिन इस पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग में, नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, अश्विनी, रोहिणी, भरणी आदि। नित्य स्त्रीलिंग जो कोयल है, मैना है, चील, और वहाँ एक और शब्द हमने देखा था मक्खी, नित्य स्त्रीलिंग। तो शब्दों का लिंग परिवर्तन, पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं, और इनमें से कुछ प्रत्यय जो है इस तरीके से हैं, ई, या, इन, नी, आनी, आइन, का, इका, अनी। अभी हम लोगों ने जो प्रत्यय का जो प्रयोग करते हुए देखा था कि प्रत्यय का प्रयोग करते हुए पुरुष से स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया जाता है, तो इन्हीं प्रत्ययों का यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। तो इन्हीं सब के माध्यम से जो है आप लोग जो है विभिन्न प्रकार के शब्दों की पहचान कर सकते हैं, कुछ नियमों को ध्यान में रख सकते हैं, कुछ प्रत्ययों को ध्यान में रख सकते हैं, जिससे कि पुरुष से स्त्री और स्त्री से पुरुष लिंग में उनका परिवर्तन किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि आज के लेक्चर में हम लोग जो है हिंदी के एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय टॉपिक जो है लिंग के बारे में चर्चा किया, उसके जो है यहाँ पे जो है अर्थ को देखा, परिभाषा को देखा, प्रत्यय के द्वारा प्रयोग के देखा, प्रकार देखा, और कुछ जो है नियम देखे। इतने के माध्यम से जो है अब आपकी जो है लिंग से संबंधित जो हिंदी में जानकारी है वो पूर्ण हो सकती है, और परीक्षा में इस तरीके से पूछे जाने वाले सवालों का आप जवाब देने में सक्षम हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर में लिंग से संबंधित इतनी जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है परीक्षा में, इसका विधिवत ढंग से आप अध्ययन कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।